आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है विंडोज 7 के अंदर कट पेस्ट क्या होता है और उसको कैसे अलग अलग मेथड्स के थ्रू किया जाता है, सिमिलरली कॉपी पेस्ट किया जाता है अलग अलग मेथड्स के साथ, रीनेम, डिलीट एंड ऑल्सो रीस्टोर। जो कंप्यूटर्स में स्टार्टिंग में आते हैं, जिनको कुछ नॉलेज नहीं होता है, दैट मीन वेरी फर्स्ट टाइम आते हैं, बिगनर्स ऑफ कंप्यूटर्स, उनके लिए टॉपिक स्पेशली है बिगनर्स ऑफ कंप्यूटर्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कट पेस्ट एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉपी पेस्ट। एंड हम यहां से आते हैं अभी हमारे कंप्यूटर में। जैसे हम यहां पे नोटिस कीजिए, डी ड्राइव हमारा एक्टिव है, यहां पे कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं और इस फोल्डर मोबाइल फोल्डर के अंदर एक इन्फो नाम का एक फाइल अवेलेबल है। अब सपोज हमें ये फाइल जो है वो इस मोबाइल फोल्डर में नहीं चाहिए, तो एक सिंपल सा काम क्या करना है हमें, इस फाइल पे ये जो लोगो बनाया हुआ है इस पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे कट कर देते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे कट पे प्रेस किया तो नोटिस कीजिए यहाँ पे थोड़ा कलर ब्लर हो गया, धुंधला सा हो गया, दैट मीन्स हमने इस मोबाइल फोल्डर में से इस फाइल को कट कर दिया। यहाँ से बैक जाते हैं और हमने इसको हेलो के अंदर सेव करना चाहते हैं, हेलो के अंदर पेस्ट करना चाहते हैं। ये अभी तक फुल्ली एम्प्टी है, राइट क्लिक किया, ये पेस्ट हो गया। अब ये जो फाइल है इन्फो नाम की कहाँ आ गई, इस हेलो फोल्डर में आ गई। आप बैक जाके मोबाइल में देखिए यहाँ पे नहीं है, क्योंकि नाम क्या है कट पेस्ट। आप इसे शिफ्टिंग कर सकते हैं, मूविंग कर सकते हैं, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये होता है कट पेस्ट का प्रोसीजर। यहाँ नहीं चाहिए, किसी और जगह पे चाहिए। हमने ये राइट क्लिक से किया कट एंड वहां पे जाके पेस्ट किया। यही सेम प्रोसीजर अगर आप चाहें जस्ट सिंपल सा लेफ्ट क्लिक कीजिए और यहाँ पे इस ऑर्गेनाइज के अंदर आइए। ऑर्गेनाइज में आने के बाद यहाँ पे फिर से आपको कट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से भी कट कर सकते हैं। देखिए कलर ब्लर हो गया, धुंधला सा हो गया। आप यहाँ से बैक कीजिए, सपोज हम इस विंडोज 7 के अंदर जाते हैं और राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें राइट क्लिक से तो ओके, अदरवाइज आप ऑर्गेनाइज में जाके भी पेस्ट कर सकते हैं, वो आपकी च्वाइस होगी कहाँ से भी पेस्ट करना है। ये आ गया यहाँ पे, ये होता है सेकंड मेथड फ्रॉम ऑर्गेनाइज। एंड ऑल्सो सेम प्रोसीजर अगर आपको कट पेस्ट ही करना है तो पहले तो इस फाइल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कीबोर्ड से आपको अल्ट बटन प्रेस करना है। जैसे ही अगर आप अल्ट प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखिए अभी पहले ऑर्गेनाइज और ओपन ऑप्शन दिखा रहा है ना, अल्ट प्रेस किया, देखिए यहाँ पे फाइल एडिट व्यू ऑप्शन आ गए। हम इस एडिट के अंदर जाते हैं, आप एडिट में जाके भी एक कट ऑप्शन यूटिलाइज कर सकते हैं। और उसके सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कंट्रोल एक्स, कट करने के लिए आपके पास कंट्रोल एक्स का भी ऑप्शन है, और पेस्ट करने के लिए उन्होंने आपको ऑप्शन क्या दिखाया है, कंट्रोल वी। यहाँ पे हमने इसको कट कर दिया, यहाँ से बैक गए, अदरवाइज डायरेक्टली आप डी ड्राइव में आ जाइए। आपको किस फोल्डर में रखना है उसके अंदर जाएं, आपकी च्वाइस है, आप राइट क्लिक से पेस्ट करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज में जाके पेस्ट करना चाहते हैं, अदरवाइज अल्ट दबा दीजिए एंड अगेन एडिट में जाके आप पेस्ट कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। अगर आपको ये सब मेथड हार्ड लग रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे देखिए हम कंप्यूटर फोल्डर में स्टे कर रहे हैं, रुके हुए हैं, इस फाइल को डायरेक्टली आप प्रेस करके कंटिन्यूअसली ड्रैग करते जाइए। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर पे एरो रखा, फिर थोड़ा नीचे आते हैं डी ड्राइव में। अब यहाँ पे हमने इसको नॉलेजेबल कंसेप्ट, देखिए मैसेज क्या है, मूव टू नॉलेजेबल कंसेप्ट, ये प्रेस कर दिया। अभी हम यहाँ रुके हैं कंप्यूटर फोल्डर में, लेकिन वहां से वो फाइल कट हो गई है और नॉलेजेबल कंसेप्ट फोल्डर के अंदर वो फाइल पेश हो गई है। दैट इज अ ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। क्या किया हमने, जस्ट इसको यहाँ से प्रेस करते हुए कंटिन्यू लेके गए और किसी और में, देखिए दिखा रहे मूव टू कंप्यूटर। अगर आपने यही सेम प्रोसीजर कीबोर्ड से कंट्रोल दबा दीजिए, देखिए क्या आ गया, कॉपी टू कंप्यूटर, कंट्रोल छोड़ देंगे तो मूव हो जाएगा, कंट्रोल दबा कर रखें तो कॉपी हो जाता है। अब हम कॉपी कर रहे हैं, पहले माउस से लीव लेना है, फिर कीबोर्ड से कंट्रोल बटन छोड़ दीजिए। अब ये जो फाइल है इन्फो नाम की, नॉलेजेबल कंसेप्ट तो है ही है, और नोटिस कीजिए ये कंप्यूटर फोल्डर में भी आ गई। राइट क्लिक करके अगर आप यहां से चाहें तो यहां से भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी लगाया, इस हेलो के अंदर गए और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट किया। कॉपी एंड पेस्ट डेट मीन्स क्या कर रहे हैं, अर्लियर प्लेस पे भी होनी चाहिए और न्यू प्लेस पे भी होनी चाहिए, डेट मीन्स सोर्स फोल्डर में भी चाहिए और डेस्टिनेशन फोल्डर में भी चाहिए। और कट पेस्ट का क्या पर्पस है, सोर्स में नहीं चाहिए और डेस्टिनेशन में चाहिए। अदरवाइज आप कॉपी करने का प्रोसीजर ऑर्गेनाइज में जाके भी कॉपी कट पेस्ट कर सकते हैं, सेम थिंग अल्ट दबा दीजिए और यहाँ से एडिट में जाके भी आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और राइट क्लिक का भी ऑप्शन आपके पास है और ड्रैग एंड ड्रॉप का भी ऑप्शन आपके पास है। लेकिन कंडीशन राइट क्लिक जो है वो इससे फाइल के ऊपर करनी है, अगर थोड़ा सा भी माउस नीचे ऊपर हुआ तो देखिए आपको ऑप्शन परफेक्टली नहीं मिलेगा। तो इसे परफेक्टली फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको कट कॉपी का ऑप्शन मिलता है, नोटिस कीजिए पेस्ट का ऑप्शन यहाँ नहीं है।
अगर आप इसे एरिया एम्प्टी एरिया पे राइट क्लिक करते हैं तो आपको पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, कट कॉपी का ऑप्शन नहीं मिलता है। सिमिलरली हमने राइट क्लिक लिया और यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन दिया हुआ है, रीनेम प्रेस किया, देखिए वहां पे इसको बैक स्पेस से कट कर दिया। कीबोर्ड से हमने वही सेम नाम लिखा इन्फो, लेकिन आए छोटा करके स्मॉल करके, एंटर किया, देखिए हो गया। अगर आपको नहीं चाहिए तो यही सेम रीनेम आप ऑर्गेनाइज में जाके यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, कट करके जो भी आपको नाम चाहिए, सपोज हमने एबीसी लिख दिया, ओके किया। यही रीनेम आप चाहे तो कीबोर्ड से अल्ट प्रेस कीजिए, यहाँ पे देखिए फाइल आ गया। पहले हम एडिट में गए थे कट कॉपी पेज के लिए, अब हम फाइल में आ रहे हैं रीनेम के लिए। फिर से आपको रीनेम का ऑप्शन आ गया, जो आपको चाहिए कट करके लिख सकते हैं। कीबोर्ड से भी अल्ट दबा रहे हैं, देखिए एडिट से इन्होंने कट का क्या दिखाया है, कंट्रोल एक्स फॉर कट, और कॉपी के लिए कंट्रोल सी, और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। अगर आप रीनेम भी करना चाहते हैं कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है F2, इट मींस फंक्शन 2। जैसे आपने फंक्शन 2 प्रेस किया तो आपको रीनेम का सपोर्ट कर रहा है। क्या किया हमने कीबोर्ड से F2, देखिए अभी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कुछ भी F2 दबाया तो। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने किसी फाइल को सिलेक्ट नहीं किया है। पहले आपको फाइल को प्रेस करना है लेफ्ट क्लिक से, डेट मीन इसको सिलेक्ट करना है, फिर कीबोर्ड से आपको F2 प्रेस करना है, तो आपको परफेक्टली वो रेस्पॉन्स देगा। अदरवाइज आप चाहें तो जस्ट पहले लेफ्ट क्लिक कीजिए, ये टारगेट हो गया, सिलेक्ट हो गया, अगेन आप इसी के ऊपर फिर से प्रेस कर दीजिए। दिस इट मीन्स क्या होता है, ये डायरेक्ट मेथड, डायरेक्टली आपको रीनेम का ऑप्शन आया। क्या किया पहले हमने, जस्ट पहले लेफ्ट क्लिक किया, उसके बाद माउस की हेल्प से अगेन इसी नाम पे ऊपर प्रेस कर दिया, हो गया, ये रीनेम का ऑप्शन हो जाए डायरेक्ट मेथड। अगर आपको ये भी फाइल नहीं चाहिए तो आप राइट क्लिक कीजिए और यहां से डिलीट, राइट क्लिक से डिलीट कर सकते हैं, आप ऑर्गेनाइज में जाके भी डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज कीबोर्ड में भी आपको डिलीट का बटन मिलता है, जस्ट डिलीट का प्रेस कर लीजिए, आया ऑप्शन, क्या दिखा रहा है, अगर आपको ये डिलीट करना है तो कहां चला जाएगा, रिसाइकल बिन में जाएगा, कंफर्म कर रहा है, हमने कहा यस डिलीट कर लो, हो गया डिलीट। कहां से हुआ, इस हेलो फोल्डर से, कहां गया ये, क्लोज करते हैं ये, मिनिमाइज ये, यहां पे रिसाइकल बिन, डबल क्लिक किया इस पे, है ये फाइल। अभी आपको ये वापस चाहिए तो आप राइट क्लिक से रिस्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉपर्टीज में जाके आप रिस्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो ये यहां पे दिखा रहे रिस्टोर दिस आइटम, जस्ट इसको प्रेस किया, ये फाइल यहां से गई, कहां गई आप नोटिस कीजिए, अभी कंप्यूटर के अंदर हमने फाइल कहां से डिलीट की थी, हेलो के अंदर से, आ गई वहां पे वापस। तो ये अलग अलग मेथड्स होते हैं रिस्टोर करने के, डिलीट करने के। अगर आप चाहें राइट क्लिक से डिलीट किया, ये यस हो गया, अभी का भी ऑन द स्पॉट आपको वापस चाहिए तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल जेड किया तो आ गया वापस, ऑन द स्पॉट वापस आ जाएगा। लेकिन ये कंडीशन है, कंट्रोल जेड कब होगा, अगर आपको अभी विद इन अ सेकंड चाहिए तो, लेकिन आपने कहा अभी डिलीट किया, कल उसको वापस चाहिए तो कंट्रोल जेड आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और जो कीबोर्ड से आप जस्ट सिंपल सा डिलीट कर रहे हैं, उसकी जगह पे आप चाहें तो शिफ्ट डिलीट कर लीजिए। शिफ्ट डिलीट से क्या होगा, परमानेंट डिलीट हो जाएगा, वो रिसाइकल में नहीं जाएगा, टोटली कंप्यूटर से ऑफ हो जाएगा। और अगर आप जस्ट सिंपल सा डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल में लेके जाएगा, जहां से उसको वापस लेके आ सकते हैं। लेकिन शिफ्ट डिलीट से परमानेंट डिलीट हो जाता है, ये मेथड्स आपको ध्यान देने होते हैं। अब जैसे हम यहां पे आ गए वर्डपैड में, आप चाहें तो इसे भी सिलेक्ट करें, और यहां पे भी ऑप्शन दिया हुआ है कट कॉपी पेज का, सपोज हमने इसको कॉपी किया, स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ और यहां पे ये एंटर किया और सामने से पेस्ट कर दिया, हो गया। ये वर्डपैड ओपन है, इसमें राइटिंग मेथड्स हैं, जो भी आपको लिखा हुआ है वो कॉपी पेस्ट करना है तो आप सामने से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक से भी ऑप्शंस हैं, एंड सेम थिंग क्या है, कीबोर्ड से कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल एक्स फॉर कट एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।